ठीक है, अगर इसमें आप 3D चार्ट लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यही मैं सिलेक्शन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल किया और यहाँ से यहाँ तक आ गई, उसके बाद मैं चार्ट में आ गई। 2D भी है, 3D भी है, ठीक है, इट्स अप टू यू, आप जोन सा भी लेना चाहते हो। ठीक है, मैंने पहले जिस तरह आप पहले 2D लिया था, तो अभी मैं आपको 3D के साथ बता देती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये चार्ट लेती हूँ। ठीक है, ये वाला ले लेती हूँ, अब आप देख सकते हो। अच्छा, इसका जो है मुझे कुछ डिफरेंट फील हो रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस वैसे इधर होना चाहिए था, इधर है, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, तो आप देख सकते हो कि आपने सबसे हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में लिए हैं, सो दैट इज द मैथ्स। ठीक है, इज इट क्लियर? और सबसे लोएस्ट मार्क्स आपने किसमें गेन किए हैं, दैट इज 70 इन साइंस। ठीक है, तो इस चार्ट से देखो मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि 5th का मेरा ये ट्रेंड है। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, यानी इसमें इस शीट में आपने हर सब्जेक्ट वाइज आपने एक चार्ट बनाना है। फिर इसी तरह 6th में आपने चार्ट बनाना है हर ट्रेड का। सेम वही काम मैंने किया, सिलेक्शन की है और चार्ट बना दिए। ठीक है, और ये आप देख सकते हो हाईएस्ट किस पे जा रहे हो और लोएस्ट किस पे जा रहे हो। हाईएस्ट आप इस्लाम मैथ पे जा रहे हो और लोएस्ट जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है दैट इज उर्दू में जा रहे हो। ठीक है, इसी तरह 7th पे भी मैंने यही काम किया है और चार्ट्स डिफरेंट ले लिए हैं। ठीक है, हाईएस्ट कहाँ पर जा रहे हैं हम, दैट इज सोशल स्टडी में, और लोएस्ट कहाँ पर जा रहे हैं, दैट इज इन साइंस। ठीक है, तो इजीली अब पता चल गया। अब आ जाते हैं फाइनल पे। फाइनल पे आपके पास जो चार्ट की आपने सिलेक्शन करनी होती है वो किस तरह से करनी होती है, देखिए हम जाते हैं डिजाइन में। ठीक है, यानी जब चार्ट आप बना लेते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी इस चार्ट को मैं नीचे ले जाती हूँ। ठीक है, और आपने सिंपल क्या करना है, फिलहाल इसको सिंपल एक ये। ठीक है, अब मैं जाऊंगी इंसर्ट पे, इंसर्ट पर जाकर मैं क्या देखूंगी, चार्ट, वेयर इज द चार्ट। ठीक है, यहाँ पर जाकर मैं वही फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्लस्टर्ड वाला ले लेती हूँ। ठीक है, कॉलम चार्ट एक ले लेती हूँ। अब मुझे उसके डिजाइन में जाना है। ठीक है, डिजाइन में जाकर मुझे डेटा सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी तक मेरा डेटा सिलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो डेटा सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आकर ऐड करवाऊंगी। ठीक है, कुछ भी अभी ऐड नहीं है, अब मुझे सीरीज और वैल्यूज ऐड करनी है। तो मैं क्या करूंगी, यहां से मैं जाऊंगी सीरीज नेम पे। ठीक है, अच्छा स्विच हो जाऊंगी सीरीज नेम। अब मुझे कौन सा करना है, 5th वाली शीट में जाकर यहां से मुझे थोड़ा सा ऊपर करना है 5th शीट को, और ये है सीरीज का नेम। ठीक है, 5th इस वाले को डन कर दूंगी, और वैल्यूज में ये, ठीक है, ये मेरी 5th की वैल्यूज है, इसको डन कर दूंगी और ओके कर दूंगी। ठीक है, अब एक मेरा ये आ गया। अब उसके बाद इसको भी हम एडिट करवाते हैं। ठीक है, अब उस एक्चुअल में ये लेजेंड एंट्रीज है। ठीक है, इसको मेन हमने करना है। फिर इसी तरह मैं 6th का नेम दूंगी, 6th की शीट पे जाके दिस वन। ठीक है, उसके बाद मैं वैल्यूज दूंगी इसी तरह 6 यहाँ तक। ठीक है, और कर दूंगी ओके। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब चलूंगी 7th, इसी तरह 7th की सीरीज के लिए मैं जाऊंगी, स्विच करूंगी 7th की शीट पे दिस वन, नेम दे दूंगी सीरीज नेम और सीरीज वैल्यू वही 7th की वैल्यूज। ठीक है, ये हो गया और ओके कर दूंगी। ठीक है, ये मेरा एक डेटा सोर्स बन गया। अब ये हॉरिजॉन्टल वाली जो आपके पास वो होती है, ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट्स अभी 1, 2, 3 लिखा आ रहा है, ठीक है, तो इसको मुझे एडिट करना है। एडिट में वो मुझे सब्जेक्ट्स ले लेगा, एक्सेस लेबल रेंज,